गाइस जो अभी गर्मी चल रहा है ना, मतलब कि आप लोगों को समझा नहीं सकता जो गर्मी इधर चल रहा है हैदराबाद में कारेंटली। भाई मुझे नहीं पता आपके शहर में, आपके स्टेट में कितना गर्मी है। इधर मतलब कि इतना टेम्परेचर हाई हो रहा है ना, इधर तो ज़्यादा पसीना नहीं आता मुझे, सच बोल रहा हूँ। पर लगता है कि पूरा टैनिंग हो रहा है पूरा स्किन में। और गर्मी का मौसम है तो आम खाने का भी मन कर रहा है। और इधर आने के बाद जो आम महंगा बिक रहा है बाजार में, बाप रे भाई, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता इतना महंगा बिक रहा है। अभी आम खाने से मुझे एक याद आया, वेस्ट बंगाल का मुझे बहुत सारा न्यूज़ आ रहा है कि वेस्ट बंगाल का जो एजेंट लोग है ना, वो बहुत अच्छा अच्छा आम तो खिला रहा है पर उसमें भी स्कैम कर रहा है। अभी आप लोग बोलेंगे भैया ये अभी वेस्ट बंगाल का आम खिलाने का स्कैम क्या आप बोल रहे हो उल्टा सीधा नर्सिंग के वीडियो में। जी आप लोगों को थोड़ी देर में पता चल जाएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि वेस्ट बंगाल पे एक न्यू स्कैम स्टार्ट किया, मालूम है आप लोगों को, मुझे मेरा बहुत सारे फ्रेंड से पता चला। तो गाइज इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। ऐसे ही एक न्यू स्कैम पता चला है मुझे, जो मेरे फ्रेंड लोग भी वहाँ पे फेस कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के साथ ये हो भी रहा है, तो उसी के टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे। वेस्ट बंगाल ही बस नहीं, मैं वेस्ट बंगाल का नाम स्पेसिफिकली इसलिए बोल रहा हूँ कि उसी स्टेट से मुझे ये न्यूज़ आया है। अभी जितना भी एजेंट वगैरह, जो एजेंसी वगैरह है, सब लोग ये कर रहे हैं, सभी स्टूडेंट को ठगने की कोशिश कर रहे हैं और हम लोग भी इतना बेवकूफ़ हैं उसके जाल में फंसे भी जा रहे हैं, तो यही बात है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम सूर्या एंड यू आर वॉचिंग वी आर नर्स यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम लोग ऐसे ही बात करेंगे एक न्यू स्कैम के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस देखिए, मैं जैसा कि एक न्यू स्कैम के बारे में बात कर रहा था, ये स्कैम और दूसरा कुछ नहीं, मैं एक लास्ट वीडियो अपलोड किया था कि जॉब रिक्वायरमेंट्स इन कोलकाता, बेसिकली उसमें जो क्रिटिसाइज ही मैं किया था कोलकाता का जो हॉस्पिटल्स है, जो एजेंसी वगैरह चल रहा है, उसके ऊपर ही बात किया था। आप लोगों को इधर जो आई बटन है उधर आप लोगों को मिल जाएगा, तो उसको कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में मैं यही बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग एक बार हॉस्पिटल के चक्कर में कोलकाता में फंस गए और एजेंट के हाथ में आ गए तो आपका जीना हराम हो जाएगा। आपको पता नहीं चलेगा कि आपका घर से कितना पैसा गया, कितना पैसा आया, आप लोगों को पता नहीं चलेगा। जितना पैसा शायद आपने अपना जो कोर्स GNM या फिर BSc कोर्स कंप्लीट करने में जितना पैसा ना खर्चा किया, उससे आधे से ज़्यादा आपका पैसा चला जाएगा आपका बस जॉब ढूंढने के चक्कर में, अगर आप एजेंसी के चक्कर में पड़ते हो तो। अभी ऐसा न्यू जो स्कैम स्टार्ट हुआ है, जो मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता रहा था कि मान लो मैं एक स्टूडेंट हूँ, एक एजेंसी के पास गया, एक एजेंट के पास गया कि मुझे जॉब चाहिए, तो वो बोलेगा ठीक है आपको जॉब मिल जाएगा, कॉन्फर्म मिल जाएगा, आपको 21,000 23,000 25,000 ऐसा कुछ भी एक डिमांड रखेगा। बेसिकली तो ये बहुत लो प्राइस बोला मैं, अभी इससे बहुत ज़्यादा हाई प्राइस हो गया है जॉब का। तो वो जो पैसा मांगेगा, मान लो आपको वो पैसा बोलेगा कि आपको जॉब मिलने के बाद पैसा देना है, आप सोचोगे कि आपको जॉब मिल जाएगा उसके बाद आपको पैसा देना है, इसमें कोई भी परेशानी की बात ही नहीं है, पूरा ही मेरे हाथ में है। तो आपको ये शायद पता नहीं है कि वो एजेंट के हाथ में आपका जॉब भी है, कि अगर आप वो जो हॉस्पिटल में जा रहे हो जहाँ पे जॉब करने के लिए, अगर एजेंट उसको ढूंढ के दे रहा है तो मतलब कि उसके हाथ में इतना भी पावर है कि वो आपके साथ वो स्कैम करके वो छीन भी सकता है। अभी होता क्या है, मान लीजिए मैं पैसा देता हूँ 30,000 रुपये कोई एजेंट को, वो बोलेगा कि हाँ आपको ये आमरी ये कुछ भी, मैं हॉस्पिटल का स्पेसिफिकली नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि सारे ही हॉस्पिटल वेस्ट बंगाल का कोलकाता का स्कैम के अंदर आता है, तो उधर बोलेगा कि आपको ये जॉब मिल जाएगा। ठीक है, मैं वहाँ पे जाने के बाद मुझे जॉब भी मिल गया, मैं भी खुश, मैं एजेंट को पैसा भी दे दिया 30,000 रुपये। उसके बाद क्या होगा कि आपको बोलेंगे कि आपका भी कितना एक्सपीरियंस है, आपको कितना काम आता है, वो हम लोग 3 महीने में देखेंगे। ठीक है, आप सोचोगे ठीक है मेरा जो है उस 3 महीने में देख लेंगे, उसके बाद आपको बोलेंगे कि आपको कॉन्फर्मेशन एक दे देंगे कि आपको इतना सैलरी है, 21,000 22,000 18,000 कुछ भी एक सैलरी का अमाउंट बताया जाएगा कि आपको इतना सैलरी मिलेगा 3 मंथ्स के बाद, अगर आपका एक्सपीरियंस फुलफिल होता है, अगर आप हम लोग सेटिस्फाइड होते हैं तो ठीक है आप भी खुश, आपको शायद काम भी आता हो। तो उस जो 3 मंथ्स का जो आपका जो बोल सकते हैं कि इंटर्नशिप का जो पीरियड चलेगा, उसमें आप लोगों को बताया जाए हम लोग आपको 10,000 पर मंथ देंगे कि आपका इंटर्नशिप चल रहा है ऐसे ही, तो उसके बाद
हम लोग आपका जो सैलरी है वो इंक्रीज करके 18-22 ऐसा समथिंग आपको बताया जाएगा, ठीक है। आपको वहाँ पे 3 महीने हो गया, आपको 10-10-10 करके 30,000 भी आ गया। अचानक से आपके पास एक दिन शायद कोई मैसेज आएगा, मेल आएगा, कॉल आएगा, या फिर लेटर भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है कि आपको इस जॉब से यहाँ से निकाला जा रहा है क्योंकि हम लोग आपके जॉब से खुश नहीं है। तो उधर क्या हुआ कि आपने 30,000 दिया, आपको फिर से 30,000 मिल भी गया, ऊपर से आप हॉस्पिटल में 3 महीना काम किए, उसके बाद आपके पास है भी नहीं कुछ, आप बोल भी कुछ नहीं सकते क्योंकि उधर आप स्कैम करके ही अंदर गए हो, आप पैसा देके ही गए हो, आपके पास कोई लेजिट प्रूफ भी नहीं है कि आप उसके अगेंस्ट में कुछ बोल सकते हो, किसी कहाँ पर भी जाके ये केस कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो फिलहाल अभी ऐसा चल रहा है, बहुत सारे एजेंसी ऐसा कर रहे हैं। बस अभी मैं तो ये अगर बहुत छोटे लेवल में बात किया, बहुत ही लो लेवल में बात किया, कुछ लोग क्या करते हैं 30,000 लेते हैं, आपको 3 महीने में या फिर 2 महीने में आपको शायद 10,000 आपको रिटर्न मिलेगा, फिर आपका जॉब चला जाएगा, फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। वो लोग आपको एक ही रीज़न देंगे, हम लोग आपके जॉब से खुश नहीं है, आपके एक्सपीरियंस से खुश नहीं है, आप इधर काम नहीं कर सकते हो, एलिजिबल नहीं हो, तो उधर आपका बोलने का भी कुछ फ़ायदा नहीं रहता। तो ये जो स्कैम न्यू जो आ रहा है मार्केट में, मुझे नहीं पता इन लोगों का दिमाग कैसे चलता है। मुझे बस एक ही चीज़ से हैरानी होता है, इतना स्टूडेंट है पूरा ऑल इंडिया में, इतना सारा हॉस्पिटल है, जिन लोगों के पास सर्टिफिकेट है, रजिस्ट्रेशन है, मार्कशीट है, तो वो लोग क्यों बाहर जाके ट्राई नहीं करते, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रहा है। सब लोगों को वेस्ट बंगाल में, हाँ मुझे पता है कि वेस्ट बंगाल में हम लोगों का लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं होगा, इसका जो बैरियर है, लैंग्वेज बैरियर है, वो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। पर आपको ये सब स्कैम से तो बचना है ना, क्योंकि आप तो एक साइड से पैसा दे रहे हो, उसका कुछ जस्टिफिकेशन भी नहीं हो रहा है कि आपका पैसा आपने दिया तो उसके बदले आपको एक कॉन्क्रीट एलिजिबल और लेजिट एक जॉब मिला, ऐसा भी नहीं हो रहा है। तो आप लोग कोशिश करो कि खुद से ढूंढने के लिए, मैं एक लास्ट वीडियो भी बनाया था हैदराबाद में, जो विदाउट एजेंसी आप लोगों को जॉब मिल सकता है, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दोनों वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप जाके जरूर चेक करना एक बार। और आप लोग ना उधर बहुत सारा कमेंट भी आ रहा है कि भैया मुझे जॉब चाहिए। देखिए मैं क्लियरली बताता हूँ, मैं एक एजेंट नहीं हूँ, मैं कोई एजेंसी को सपोर्ट भी नहीं करता, प्रोमोट भी नहीं करता, मुझे कितना भी पैसा मिले मैं प्रोमोट भी नहीं करूँगा, इसीलिए मैं अभी तक मैं जो हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ इस हॉस्पिटल को रिवील भी नहीं किया। फिलहाल मेरा तो अभी तक जो कॉलेज था उसको भी नाम किसी को नहीं मालूम। तो बस मैं इस वीडियो से यही मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ कि अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप पास्ट आउट हो गए हो, या फिर कुछ भी हो, खुद के दम पे जॉब ढूंढने की कोशिश करो, जिससे आपका इतना तो मोटिवेशन और सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि हाँ मैं खुद से ये जॉब मुझे मिला है तो कोई मुझे निकाल नहीं सकता, अगर निकालेगा भी तो आपके पास कुछ प्रूफ रहेगा उधर, इतना तो कॉन्फर्म है कि आपको उधर कुछ खोना नहीं पड़ेगा, इधर तो खोना ही खोना पड़ रहा है। किसी को लोग को तो बोला जा रहा है कि आपको फ्री में काम करना होगा 3 महीने, उसके बाद हम लोग आपको पैसा देंगे, सैलरी देंगे, तो इसका कुछ भी सेंस नहीं बनता। आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, खुद से देखो, खुद से जागरूक बनो और जॉब ढूंढो और जॉब करो। बस इस वीडियो में इतना ही बोलना था, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।